जबलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ रानीताल स्टेडियम में किया गया, जिसमें जबलपुर शहर के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वही 28 राज्यों के लगभग 1000 खिलाड़ी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जिसके लिए पूरा इंतजाम रानीताल स्टेडियम में किया गया है। वही साइकिलिंग के लिए NH हाईवे में साइकिलिंग कराई जाएगी। इस दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं, खिलाड़ियों के रहने और खाने का इंतजाम भी किया गया है। 28 राज्यों के प्रतिभागी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये जानकारी, जहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ रानीताल स्टेडियम में ये आयोजन किया गया। बिल्कुल, ये जो हमारा खेलो इंडिया आज शुरू हुआ है, ये 30 जनवरी से 3 फरवरी तक चलेगा। इसमें 11 स्टेटों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और ये 16 टीमें हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। 8 टीमें इसमें बॉयज़ की हैं और 8 गर्ल्स की हैं। तो आज फर्स्ट डे है हमारा, ओपनिंग सेरेमनी है और मॉर्निंग सेशन में 4 मैचेस होंगे, इसी तरह से इवनिंग सेशन में 4 मैचेस चलेंगे। इस तरह से ये लीग कम नॉकआउट स्टेज है और आगे जो आने वाली टाइम में आप देखेंगे, जो भी इस पूल में से 2 टीमें होंगी वो नॉकआउट स्टेज पर आगे जाएंगी। मतलब 1 महीने से तैयारियां इस स्पोर्ट्स के इवेंट के लिए चल रही है। मध्य प्रदेश के लिए और खासकर जबलपुर के लिए गौरव का विषय है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स को हम होस्ट कर रहे हैं। यहाँ 4 गेम्स होने हैं और सभी गेम्स की पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। हमारा प्रयास है कि यहाँ आने वाले खिलाड़ियों को, टेक्निकल ऑफिशियल्स को हम बेहतर से बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ और ऐसा माहौल उपलब्ध कराएँ जिसमें अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएँ।